आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मयूर विहार इलाके से, जहां पर बुजुर्ग मर्डर केस में पुलिस को कुछ अहम सुराग हासिल हुए हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी में एक लड़की दिखाई दी है, वहीं घर में बुजुर्ग के कफ पर लिपस्टिक के निशान पाए गए हैं। ये लड़की दिल्ली के कल्याणपुरी की रहने वाली है। ऐसे में पुलिस हत्या में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का शक भी जता रही है। कल बुजुर्ग की हत्या की गई थी, फ्रेंडली एंट्री मानी जा रही थी। पुलिस ने यह कहा था कि जो लोग अंदर दाखिल हुए घर के, वो बुजुर्ग को जानते थे, 65 साल के बुजुर्ग थे। कल्याणपुरी की रहने वाली लड़की है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लिपस्टिक के निशान कप पर पाए गए हैं, चाय के कप घर के अंदर पाए गए थे। और बुजुर्ग मर्डर केस में अब पुलिस इसी एंगल से तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी से जो सुराग हासिल हुए हैं, उसी को लीड मानकर पुलिस आगे बढ़ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक टीवी छोड़कर बाकी घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। नितिन जैन हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, क्या कह रही है पुलिस, किस तरह के सुराग, किस तरह के उसे सबूत हासिल हुए हैं? देखिए, जो पुलिस सूत्रों से बात हुई है, वो अभी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा में लड़की नजर आ रही है, क्या उसी ने किया? क्योंकि जब ये वारदात हुई है, कत्ल की वारदात हुई है, उसी वक्त समाचार अपार्टमेंट में चोरी की भी वारदात हुई है। और जो समाचार अपार्टमेंट में जो दूसरी वारदात हुई है, उसमें जो सामान गायब हुआ है, उसमें भी एलईडी और कुछ कैश गायब हुआ है। और जो ये विजय कुमार जी है, जहाँ पर मर्डर हुआ है, वहां पर से भी एलईडी और कुछ कैश गायब हुआ है। अब पुलिस इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि ये जो लेडी जो नजर आ रही है, जिसने ट्राउजर पहना हुआ है, क्या ये इसकी किस वारदात में है, या वाकई में इसने कोई वारदात की है? एक बात। दूसरी बात, जो घर में जो कप्स मिले हैं, वो दो कप्स और ग्लास मिले हैं। अब उसमें जो लिपस्टिक की बात आ रही है, वो क्या है, उसको भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। तो पुलिस अभी कह रही है कि अभी बहुत प्री मेच्योर स्टेज पर है, लेकिन हाँ, वो लोग काम कर रहे हैं। और जो ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। नितिन जैन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो सीसीटीवी से सुराग हासिल हुए हैं, उसी को अब सुराग मानकर पुलिस आगे बढ़ रही है। दिल्ली में दिन दहाड़े मर्डर की खबर सुनकर अब हैरानी नहीं होती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं गाहे बगाहे सुनने को मिलती ही रहती हैं। इस बार भी दिल्ली के मयूर विहार से हत्या का ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कातिल ने दिन के उजाले में एक बुजुर्ग को चाकू से गोदकर मार डाला। दिल्ली में दिन दहाड़े बुजुर्ग का कत्ल। बुजुर्ग को पहले से जानता था कातिल। कत्ल से पहले कातिल ने बुजुर्ग के साथ पी थी चाय। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि यहां एक 64 साल के बुजुर्ग को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया है। तारीख 20 जुलाई, जगह मयूर विहार का समाचार अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 129, वक्त सुबह करीब 10 बजे। यही वो जगह और वो वक्त था जब कातिल ने विजय कुमार को अपना निशाना बनाया। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 129 में 70 साल के बुजुर्ग की बड़ी बेरहमी से चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके हत्या कर दी गई। आप देख पा रहे हैं जो फ्लैट नंबर 129 है, उसके अंदर पुलिस क्राइम टीम वो मौजूद है, जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो एंट्री है वो फ्रेंडली एंट्री है, यानी जो कातिल है वो कहीं ना कहीं जो ये घर है, इस घर के बारे में काफ़ी कुछ जानता रहा होगा। कातिल ने जिस वक्त कत्ल किया, उस वक्त घर में टीवी चल रहा था। कातिल ने कत्ल करने के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हुआ। दोपहर 1:30 बजे के आसपास जब विजय कुमार की बेटी घर पहुंची, तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। मिस्टर विजय कुमार, जो 4 साल पहले रिटायर हुए थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उनकी बेटी भी इसी बिल्डिंग में फैमिली के साथ रहती हैं, रोज मिलते थे वो, उनकी मौत हुई है, चाकू से हत्या की गई है उनकी। विजय कुमार की पत्नी इनकम टैक्स ऑफिस में काम करती हैं और वो 9 बजे घर से निकल जाती हैं। पुलिस को शक है कि कातिल ने वारदात को सुबह करीब 10 बजे अंजाम दिया। घर में किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है। लूटपाट के इरादे से प्राइम ऑफिसर नहीं लगता कि हत्या की गई, और किसी जानकार आदमी ने घर में एंट्री की है उसका लगता है। पुलिस
विजय के जानकारों की पूरी लिस्ट बना रही है। वो किससे बात करते थे, किन से मिलते थे और खासकर उनसे मिलने के लिए पिछले 4 महीनों में इस फ्लैट में कौन कौन आया। पुलिस के शक के दायरे में कुछ लोग आए हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है, लेकिन वो कौन है और उसका विजय से क्या संबंध था यह भी साफ नहीं है। पुलिस गेट पर मौजूद सीसीटीवी और रजिस्टर की भी जांच कर रही है। पुलिस को ये शक है कि हो सकता है कि जो कैश भी गायब किया गया है वो जो इन्वेस्टिगेशन हो उसको गुमराह करने के लिए गायब किया गया हो। फिलहाल पुलिस इस केस को 2 एंगल से जांच कर रही है, एक तो आपसी रंजिश और दूसरा लूटपाट के इरादे से। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।